ये भी हम लोग के लिए गर्व की बात है। लेकिन सर से मेरा विनम्र आग्रह है कि सर शाम में हम लोग का सब्जी नहीं खरीदा रहा है, घर में कलह हो रही है, सर सगे संबंधित छूट जा रहा है, 5:30-6 बजे विद्यालय जाते हैं, अंधेरा हो जाती है, काफी बहुतों को दिक्कत होती है सर, तो उसको 4 बजे तक रहने दिया जाए। मैं अपने शिक्षक मंडली से सादर अनुरोध कर रहा हूँ, हम मेहनत करी जाने करेंगे। और सर हम लोग की जो छुट्टी है, जैसे छठ की छुट्टी, दीपावली की छुट्टी, सर यह दो काम हम लोग कर देते हैं, आप हम लोग के लिए भगवान है, ऐसा फिर दूसरा कोई के पाठक नहीं आएगा। धन्यवाद, मैं आग्रह करता हूँ कि हम 3 साल तक बने रहे। धन्यवाद। आप लोगों को ये जान लेना होगा कि आप शिक्षक हैं, आज भी शिक्षक रहेंगे, 10 साल बाद भी रहेंगे, 20 साल पहले भी थे। शिक्षा करनी कहीं ऐसा नहीं होता है कि विद्यालय 4 या 6 घंटे चलता है, कहीं ऐसा नहीं होता है कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट बन गए, जैसे अभी आपने कहा कि आप सरकारी सेवक बनना चाहते हैं, घोषणा तो हो गई है माननीय मुख्यमंत्री महोदय की गांधी मैदान से, तो अब बस हमें उसको प्रक्रियात्मक उसमें जो थोड़ी बहुत देर हो रही है, काम आगे बढ़ रहा है, किसी भी क्षण ये हो सकता है। जब आप सरकारी सेवक बन जाएंगे 8 घंटा तो बैठ रहा है, कहानी खत्म। वहां अब आपकी सब्जी की दाल, रोटी, भाजी, देखिए ऐसा है कि आप आए हैं बच्चों को पढ़ाने, ठीक है, आपके चलते नहीं चलते पीढ़ियां बर्बाद हो जाती हैं या पीढ़ियां संवर जाती हैं। अगर आप घड़ी देख के आइएगा जाइएगा, ये बड़ा पुनीत काम है। मैंने कहा ना, इसमें क्या प्रमोशन है, आज भी शिक्षक रहेंगे, 30 साल बाद भी शिक्षक रहेंगे, लेकिन जब सम्मान मिलता है ना गांव में, वो किसी और को नहीं मिलता। एक शिक्षक है और एक डॉक्टर है, यही दो पेशा है जिसको पब्लिक जो है भगवान मानती है, अगर ढंग से काम होता। तो देख लीजिए, एक अनुशासन तो हम कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, 8 घंटा आपने रहना है, अब जब रहना है तो पढ़ा भी दीजिए, और जो पढ़ना चाहते हैं उन्हीं को पढ़ाइए। 3:30 तक बच्चे पढ़ेंगे, 3:30 के बाद कमजोर बच्चों को चिन्हित कीजिए। आपको मालूम है ये मिशन दक्ष का निर्णय क्यों लिया गया? ये निर्णय इसलिए लिया गया कि कक्षा 8वीं में बच्चे पहुंच गए हैं, किताब किस सब्जेक्ट की है उसको लेकर के पढ़ नहीं पा रहा है कि किस सब्जेक्ट की किताब है। पिताजी क्या करते हैं? मजदूर है। अब वो 8वीं में पहुंच गया है, कुछ नहीं पढ़ पा रहा, तो कलेक्टर तो बनेगा नहीं, मजदूर ही बनेगा। तो मजदूर का बेटा अगर मजदूर बनेगा तो हम आप क्या कर रहे हैं? 50,000 करोड़ रुपए बजट है शिक्षा विभाग का, सब गड्ढे में जा रहा है। जो पढ़ रहा है वो इस वजह से नहीं पढ़ रहा है कि हम आप हैं, वो इसलिए पढ़ रहा है कि उसने माँ बाप ने ट्यूशन अफोर्ड कर सकते, वो ट्यूशन चला रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं। आप अपना दिन याद कीजिए, हम लोग अपना दिन याद करें। जब हम स्कूल से आते थे तो हमारे पिताजी पढ़ाते थे, बड़े भाई बहन सब पढ़ाते थे, तभी हम लोग पढ़े लिखे हैं। हमारे गांव में या हमारे परिवार में हमारा एक अभिभावक या दोनों अभिभावक पढ़े लिखे होते हैं, विद्यालय से छूट के आते थे तो पढ़ाया जाता था। लेकिन जो अनपढ़ माँ बाप है उनका तो कोई सहारा नहीं है, वो खुद ही पढ़े लिखे नहीं है, उन्होंने सरकार की बात मान के अपना बेटा स्कूल भेज दिया, और बदले में हमने क्या किया? वो 8वीं तक पहुंच गया, कुछ नहीं पढ़ पा रहा है। ये किसका फेलियर है? आपका है, हमारा? तो ये नहीं होना चाहिए। हमें ध्यान इस बात पे देना है कि जो समाज का एकदम कमजोर तबका है वही ना हमारे आता है, उनमें से अधिकांश के माँ बाप नहीं पढ़ पाते हैं। कोई मजदूरी कर रहा है, कोई दिल्ली में है, कोई बंबई में है, कोई गुजरात में है, कोई कहीं है।